मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाने हैं, मैंने बन के उसको बटन लगा के तल लिया है। ये कोना मेरे दूसरे वाले हिस्से में चला गया, टूट गया था, कोई मसला नहीं है। तो उसके ऊपर मैं पहले वेजिटेबल में से हरी मिर्च जो है मोटी वाली जो होती फीकी लेकिन थोड़ी तेज होती, थोड़ी सी इसमें तेजी होती, वो मैं रखूंगा। और साथ में उसके टमाटर के पीसेस या टमाटर को छुल के रखता हूँ। मैंने उसके दो पीसेस टमाटर फिलहाल काट दिए, वरना आप इसमें ज़्यादा भी रख सकते हैं। दो पीसेस मैंने रख दिए। और मैंने दूसरी तरफ एक आलू छोटे को क्रिस्पी कर लिया है, उसको इसके सफाई करने वाला जो होता है पिलर जो होता है उसी से मैंने इसको बारीक 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 कुतरा था। और उसको मैंने हल्के से तेल डाल के, चार कतरे तेल डाल के तल लिया। ये हमारा तैयार है। अब इसके ऊपर हम मज़रोला चीज़ डालेंगे। मज़रोला चीज़ मैंने इस पे मज़रोला चीज़ डाल दी। और इस चीज़ को मैं एक मिनट काफ़ी है मेरे ख्याल, लेकिन एक से डेढ़ मिनट में ये पिघल जाएगी। तो इसको मैं माइक्रोवेव करता हूँ। ये मैंने दोनों पीसेस के ऊपर, ऊपर वाले पे भी और नीचे वाले पे, दोनों पे मैं वही अमल किया जो आपको दिखाया कि पहले इसमें हरी मिर्च मोटी वाली जो थी फीकी हरी मिर्च या शिमला मिर्च आपका डालें और टमाटर डालें और ऊपर से मसाला चीज़ किसी भी डालें और उसको एक मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें। और दूसरी साइड को भी मैंने सेम प्रोसेस किया है। और ये भी तैयार है, दोनों साइड के बन तैयार हैं। बीच में मैं पहले क्रिस्पी चिप्स रखूंगा। ये एक ही छोटे से आलू के मैंने क्रिस्पी चिप्स बनाए, ये क्रिस्पी मैंने चिप्स रख दिए, क्रिस्पी पोटैटो चिप्स रख दिए। और उसके ऊपर चिप्स गिर नहीं जाए थोड़े से कम कर देता हूँ, चिप्स रख दिए, क्रिस्पी चिप्स रख दिए। और उसके ऊपर स्लाइस चीज रखूंगा। स्लाइस चीज रख के ऊपर इसके थोड़ा सा केचप, ये वाली बोतल ठंडी ज्यादा है तो निकल रहा नहीं रहता, इस वाली बोतल से थोड़ा सा केचप, खूबसूरती भी और खाने में भी मजा, ये टक्का है। और ऊपर से हॉट सॉस जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। और ये हमारा ऊपर रखने के बाद, सेकंड पीस ऊपर रखने के बाद हमारा फ्रेंच टोस्ट बर्गर तैयार है। ये जबरदस्त फ्रेंच टोस्ट बर्गर तैयार है और उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है आप भी बनाएंगे। इसमें कबाब कोई नहीं, सिर्फ फ्रेंच टोस्ट बर्गर है। इसको बटर के अंदर तला था मैंने दोनों स्लाइसेस को। उम्मीद है आप मुझे दुआ में याद रखें।